हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आज मैं आपको क्लियर करूंगी कि ट्विन्स बेबी की नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी पोजीशन सबसे ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्विन्स बेबी होते हैं वो आपके यूट्रस में कौन कौन सी पोजीशंस ले सकते हैं। तो सबसे पहली पोजीशन जिसमें आपके दोनों बेबी सर को नीचे कर लेते हैं, एंड इसको बोला जाता है वर्टिक्स पोजीशन, एंड इसको सिफेलिक भी बोला जाता है। और ये ट्विन्स में नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है। और दूसरी पोजीशन में एक बेबी अपने सर को नीचे कर लेता है एंड एक बेबी अपने सर को ऊपर कर लेता है, और इस पोजीशन को सिफेलिक एंड ब्रीच पोजीशन बोला जाता है। और दूसरी भाषा में इसको वर्टेक्स एंड ब्रीच भी बोला जाता है। वर्टेक्स और सिफेलिक का मतलब होता है इस पोजीशन में बच्चा अपने सर को नीचे कर लेता है, लेकिन ब्रीच पोजीशन का मतलब होता है बच्चा अपने सर को ऊपर कर लेता है। और ये जो पोजीशन होती है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है, इसमें भी बहुत ही आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और तीसरी पोजीशन होती है जिसको बोला जाता है ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा होना। इस पोजीशन का मतलब होता है कि आपके दोनों बच्चों के सर तो नीचे होते हैं, लेकिन जो बच्चा आपके गर्भाशय ग्रीवा के पास होता है वो अपने सर को गर्भाशय ग्रीवा की ओर ना ले जा करके आपके जो कूल्हे होते हैं उधर की साइड मुड़ जाता है, यानी कि हल्का सा बेड़ा बेड़ा, या फिर हम बोल सकते हैं तिरछा हो जाता है। तो इस कंडीशन में बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन लास्ट टाइम पर हो जाती है तो आपका सी सेक्शन ही होगा, क्योंकि ट्विन्स होने की वजह से जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आपके गर्भाशय में इतनी जगह नहीं बचती है जो कि आपका बेबी राउंड करके दोबारा से अपनी पोजीशन वापस ले ले। इसलिए अल्ट्रासाउंड में ऑब्लिक पोजीशन आने पर डॉक्टर आपको बिल्कुल भी राय नहीं दे सकते हैं कि आप लंबे समय तक रुके और नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार करें, क्योंकि ट्विन्स में कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती है कि बच्चा लास्ट टाइम पे अपनी पोजीशन चेंज करेगा या फिर नहीं करेगा। और एक पोजीशन ट्रांसवर्स पोजीशन होती है, और इस पोजीशन में आपके दोनों बच्चे पूरी तरीके से लेटने वाली स्थिति ले लेते हैं, और इसमें भी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती है नॉर्मल डिलीवरी, तो इसमें भी डॉक्टर को सी सेक्शन ही करना पड़ता है। और एक पोजीशन होती है जिसमें आपके दोनों बच्चे उल्टे हो जाते हैं, यानी कि दोनों ही अपने सर ऊपर कर लेते हैं, पैर नीचे कर लेते हैं, और इस पोजीशन को ब्रीच पोजीशन बोला जाता है। तो ऐसे में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती है, तो इस स्थिति में भी आपका सी सेक्शन ही करवाना पड़ता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपको बता दूं कि जब आपके 7, 7.5 महीने या फिर 8 महीने होते हैं तब तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकती हैं कि आपके बच्चे पोजीशन चेंज कर लेंगे, लेकिन अगर आपका टाइम 34 या 35 वीक से ऊपर है और बच्चों की इस तरीके से पोजीशन आती है तो ऐसे में पॉसिबल हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है कि आपके बच्चे पोजीशन चेंज करेंगे या फिर नहीं। ये इस बात पे डिपेंड करेगा बच्चों को घूमने के लिए जगह मिल पा रही है या फिर नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।